यहाँ पर आज हम जो स्टडी करने चल रहे हैं वो पढ़ेंगे हम पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतरनियम में क्या डिफरेंट है। इसके बारे में हमने पहले ही जानकारी ले ली है कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है, पार्षद अंतरनियम क्या होता है। अब ये जानकारी लेंगे कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतरनियम में किन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है और उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो अब जब हम अंतर को स्पष्ट करेंगे तो हम इसके बीच में यह जरूर जान जाएंगे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम का मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें कि यह प्रमुख और सहायक प्रलेख की वजह से जो पार्षद सीमा नियम है कंपनी का एक प्रमुख और एक मुख्य चार्टर होता है, जिसको हम एक प्रमुख प्रलेख कहते हैं। उसी जगह पर जो पार्षद अंतरनियम होता है वह एक सहायक प्रलेख होता है। इसकी विषय सामग्री की अगर बात की जाए तो कंपनी की जो पार्षद सीमा नियम है उसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, अधिकार और शक्तियों का वर्णन होता है। यह कंपनी व तृतीय पक्षकारों के मध्य संबंध स्थापित करता है। जबकि पार्षद अंतरनियम जो होता है सीमा नियम में दिए हुए उद्देश्यों तथा अधिकार सीमा को कार्यान्वित करने के लिए नियमों और उपनियमों का ही उल्लेख होता है। पार्षद सीमा नियम की जो आवश्यकता के आधार पर अगर देखा जाए तो कंपनी सम्मेलन के लिए सीमा नियम का बनाना और रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य है। लेकिन अंतरनियम के बारे में अगर बात की जाए तो प्रत्येक कंपनी के लिए इसे तैयार करना अनिवार्य नहीं है। इसके अभाव में एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी पर तालिका एफ के नियम लागू होते हैं। अर्थात तालिका एफ में कुछ नियम दिया गया है जो कि अंतरनियम, अगर उन्होंने इसको रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत नहीं किया तो वह नियम लागू हो जाएगा। अगर सीमा की बात की जाए, तिरछी जो बाउंड्री है पार्षद सीमा नियम की, कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन ही बनाया जाता है, जबकि अंतरनियम सीमा नियम के अधीन बनाया जाता है। परिवर्तन की बात करें तो पार्षद सीमा नियम को सरलता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि सदस्यों द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करके पार्षद अंतरनियम को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसको अधिकारों और बाहर किए गए कार्यों की पुष्टिकरण के आधार पर समझें तो सीमा नियम के बाहर किए गए कार्यों की कंपनी एवं उसके सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की जा सकती है, जबकि अंतरनियम के बाहर लेकिन सीमा नियम के क्षेत्र में किए गए कार्यों की बाद में भी पुष्टि की जा सकती है। यह अंतरनियम की बात है। अगर संबंध की बात करें तो सीमा नियम कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित करता है, जबकि अंतरनियम कंपनी तथा सदस्यों के बीच में संबंध स्थापित करता है। पार्षद सीमा नियम में नाम वाक्य, स्थान वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, उद्देश्य वाक्य, संघ वाक्य, हस्ताक्षर वाक्य होते हैं, जबकि पार्षद अंतरनियम में कंपनी के अंशों, डायरेक्टरों के, उनके वेतन, पारिश्रमिक, अंकेक्षण, तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम लोगों के बारे में जानकारी होती है। अर्थात इनकी विषय सामग्री में भी डिफरेंट है। दोनों की विषय सामग्री में अंतर होने की वजह से भी यह भी एक अंतर है। पार्षद सीमा नियम, कंपनी इस सीमा नियम के बाहर काम नहीं कर सकती, लेकिन पार्षद अंतरनियम के बाहर और सीमा नियम के अंदर कंपनी काम कर सकती है। तो ये मुख्य प्रकार के अंतर हैं जो पार्षद सीमा नियम में और पार्षद अंतरनियम में अंतर का कारण बन रहा है। तो आपने यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ लिया कि पार्षद सीमा नियम में और पार्षद अंतरनियम में क्या अंतर होता है। अब हम वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।